बहुत सलाह देने के लिए आगे रहते हैं, इसके बाद यह कराइए, इसके बाद यह कराइएगा। तो कितनी बार आईटी दे चुका? कभी नहीं। एक चीज और ध्यान रखना, मैकेनिक और इंजीनियर में फर्क क्या होता है? मैकेनिक को बस यह पता होता है ऊपरी ऊपरी ज्ञान होता है। ट्रिग्नोमेट्री स्लो पढ़ाइए। हाँ बेटा स्लो पढ़ाते हैं, इतना स्लो पढ़ा रहे हैं बेटा, अगर ये कंप्लीट नहीं होगी फिर कहें बहुत ज्यादा लेक्चर लग गया है इसमें। एक बच्चा कह रहा स्लो पढ़ाइए, एक कह रहा सर बहुत स्लो जा रहा है थोड़ा फास्ट करिए, एक कह रहा सर स्लो पढ़ा रहे हैं, एक कह रहा लेक्चर ज्यादा लग रहे हैं, एक कह रहा लेक्चर ज्यादा लीजिए। तो क्या करें हम, क्या करें हम, हम बताओ तुम हमारी जगह होते तो क्या करते? सर हम जमीन पर लेट जाते और नाचने लगते नागिन डांस की फॉर्म में, क्योंकि अलग भांति भांति के लोग भांति भांति की बातें करते हैं, भांति भांति की। सर मॉड्यूल के लिए समय नहीं बचता, तो जी एडवांस के लिए के बाद आईडी का, अच्छा इसके बाद एक चीज और बहुत सलाह देने के लिए आगे रहते हैं, इसके बाद यह कराइए, इसके बाद यह कराइएगा। तू कितनी बार आईटी दे चुका? कभी नहीं। बार भी नहीं। अच्छा आईटी का सिलेबस पता है तुझको? नहीं सर वो भी नहीं पता है, ढंग से नहीं पता है, वो तो बस भैया बता रहे थे। वो भैया गए हैं आईटी? नहीं सर वो आईटी नहीं गए, उन्हें तैयारी की थी कोटा में सर, हमें नहीं पता, वो बता रहे थे ऐसा करिए। ठीक है तो कौन, तो कहाँ, कितनी बार तुम आईटी गए कभी? तुमने आईटी का सिलेबस देखा, आईटी का पेपर दिया देखा कभी? नहीं सर वो भी नहीं देखे हैं सर, आईटी का पेपर भी नहीं देखे हैं। तो काहे फालतू में ज्ञान पेल रहे हैं यहाँ पर? काहे कि ये करिएगा उसके बाद ये बताइएगा उसके बाद वो बताइएगा, काहे फालतू का बात कर रहे हैं यहाँ पर? हम 21 साल से 22 साल से पढ़ा रहे हैं आईटी, ठीक तो हम बताएंगे तुमको कि क्या करो या तुम बताओगे हमको कि हम क्या करें? तुम बताओ, बच्चे बताएंगे क्या इन बच्चों के सलाह के अनुसार मुझे चलना चाहिए या मेरी सलाह के अनुसार तुम्हें चलना चाहिए? अब डॉक्टर को बताएंगे, डॉक्टर साहब ये एक काम करिए यहाँ थोड़ा काट दीजिए और ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर काट देगा उधर ऑपरेशन करना, डॉक्टर साहब ये दिल है ना इसको भी काट दीजिए। डॉक्टर पागल है? नहीं सर हम बता रहे हैं ना, हमारा भैया बता रहे थे डॉक्टर काट देना चाहिए दिल को, कोई दिक्कत नहीं होता है। डॉक्टर काट देगा फिर। कहीं कहते हैं सर आप लॉगरिथमिक का ग्राफ नहीं पढ़ाए हैं अभी, लॉग का इनइक्वालिटी नहीं पढ़ाए हैं अभी, वो को पढ़ा वो तो आप पूरा पढ़ाइए, आधा पढ़ा रहे हैं आप। बेटा लल्लू एक बात और सुन ले, एक बात और सुन ले, लॉग इनइक्वालिटी नहीं पढ़ा है, लॉग का ग्राफ नहीं पढ़ा है। पहली बात तो मैथमेटिकल ज्ञान नहीं देखा तूने ढंग से, वहां तो हमने क्या किया लॉग का पूरा ग्राफ बताया था आपको। हाँ सर वो तो हम देखते नहीं है सर, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम तो बिना लेक्चर के ही आईटी क्वालिफाई कर लेंगे। हाँ बेटा ऐसे धरती पुत्र दो चार ही होते होंगे, उनमें से तुम एक हो, उनमें से तुम एक हो, है ना, उनमें से तुम एक हो। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी अगर मैं बता देता ना पहले दिन ही लॉग के साथ ही, आधे बच्चे सिर से धुआं निकलने लगता, सिर से धुआं धुआं निकलने लग जाता, आग लग जाती खोपड़ियों में कहीं के, बालों में से आग लग जाती कहीं के। तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी काहे नहीं पढ़ा है? बेटा थोड़ा मैच्योर हो लो, अभी तो पैदा हुए हो, 10th क्लास के बाद आईआईटी की तैयारी शुरू किए हो, जुम्मा जुम्मा एक महीना भी नहीं हुआ ढंग से तैयारी करते हुए, तो बेटा थोड़ा सा आगे थोड़ा परिपक्व हो जाओ, थोड़ा बड़ा हो जाओ, फिर बताएंगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, फिर बताएंगे लॉग का अच्छे से और भी ग्राफ व्राफ सब बताएंगे। तो इसलिए मैंने पहले दिन कहा था खुद पर विश्वास और मुझ पर अंधविश्वास। तो कई लोग तो विश्वास बिल्कुल नहीं करते, उन्हें अपने पर विश्वास नहीं है, उन्हें अपने पापा पर विश्वास नहीं है, अपनी मम्मी पर विश्वास नहीं। मम्मी कह रही है बेटा शाम को मिठाई मिलेगी तुमको, लगता नहीं, विश्वास नहीं कर सकते हम इस औरत ना, विश्वास नहीं कर सकते। पापा कह रहे हैं बेटा कल घुमाने लेके चलेंगे, ना विश्वास नहीं इस आदमी पर। अरे भैया किसी पे तो विश्वास करो। एक चीज और ध्यान रखना, मैकेनिक और इंजीनियर में फर्क क्या होता है? मैकेनिक को बस ये पता होता है ऊपरी ऊपरी ज्ञान, ऊपरी मतलब साइन की वैल्यू 0 एन पाई पर होती, रट्टा मार रखा है। कॉस की वैल्यू 1 2 एन पाई पर होती है, तो ये सब रट्टा मार रखा होता है। मैकेनिक को सिर्फ ऊपरी ज्ञान होता है और इंजीनियर को सब कुछ पता होता है कि इसमें कितने हॉर्स पावर का इंजन लगा है, ये वो किस तरह से काम करता है, इंटरनल कंबशन इंजन है एक्सटर्नल कंबशन इंजन है, कैसे गैसेस को बर्स्ट करके उससे एनर्जी जनरेट की जा सकती है, वो सब इंजीनियर को पता होता है और मैकेनिक को यह सब नहीं पता होता।
उसे सिर्फ सतही ज्ञान होता है, सरफेस वाला ज्ञान होता है। तो ध्यान रखें, आपको इंजीनियर बनना है, मैकेनिक नहीं। आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ऐसा क्यों, हर चीज का कारण पता होना चाहिए। कोशिश करता हूं कि आपको सिर्फ सतही चीजें ना पता हो, हर चीज का ज्ञान